भाई मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, तब से लखनऊ लखनऊ सुनते हुए जहन में बस गया है। लखनऊ राजनीति है, सब राजनेता ही लोग उठा रहे हैं। कोई सामान्य आदमी उठाए तो इसके पीछे वास्तविकता समझ में आए, कोई ऐतिहासिक आदमी उठाए तो विश्व वास्तविकता समझ में आए। एक लक्ष्मण जी की मूर्ति लग जाने से उस पर ये कह देना कि लक्ष्मणपुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल कहीं एक भी कदम सही चीज नहीं है। ये राजनीति कर रहे हैं, मगर अपना एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहे। लक्ष्मणपुरी लखनऊ का पुराना नाम था, धीरे धीरे तुर्क लोगों ने बदलना शुरू किया, बदलते बदलते लखनऊ हो गया। और ये सब नाम रखने से कोई बहुत बताना पड़ेगा कहाँ से आए हैं। बहुत वो था, चल राम जी के भाई थे लक्ष्मण, पूरी रामायण सुनानी पड़ेगी तब वर्ल्ड का आदमी जान पाएगा। इंडिया के आदमी को रामायण देखी समझी जानता है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड के लोगों को बताना पड़ेगा। और लखनऊ हर आदमी जानता है, आप यहाँ से निकलिएगा पूरे गल्फ में घूम आइएगा और जहाँ बताएंगे कि लखनऊ से आए आपको कितनी इज्जत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अब लखनऊ का नाम जो है लक्ष्मणपुरी के नाम पर बोले जाने लगा है। ग्लोबल समिट जब था उस दौरान भी कई बार लक्ष्मण की मूर्ति का अनावरण किया गया, यानी कि एयरपोर्ट पर। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि इसका नाम जो है धीरे धीरे अब लक्ष्मणपुरी हो जाएगा। आखिर लोगों का क्या मानना है, चूंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो जनता है। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आता और वो कहते हैं कि लखनपासी इसका नाम रखा जाना चाहिए, चूंकि लक्ष्मण से जुड़ा हुआ लखनऊ नहीं है। तो ऐसे में लोगों का क्या मानना है, चूंकि राजनीतिक पार्टी तो अलग अलग बयान दे रही है, अलग अलग चीजें कह रही हैं। हम एक एक करके पूछने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, पहले तो लक्ष्मणपुरी का नाम चला कि लक्ष्मणपुरी रख दिया जाए लखनऊ का। अब स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव, उन्होंने कहा लखनपासी इसका नाम रखा जाए, लक्ष्मण से कोई संबंध नहीं है। आप लोगों का लेकिन क्या मानना है? भाई मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, तब से लखनऊ लखनऊ सुनते हुए जहन में बस गया है लखनऊ। तो लखनऊ में कोई समस्या नहीं है, लखनऊ ही नाम बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से लक्ष्मणपुरी और लखनपासी इस तरीके के नाम आ रहे हैं, आपको लग रहा है इसके पीछे राजनीति है, या आपको लग रहा है कि सच में ऐसा कुछ है पीछे इतिहास? कोई इतिहास नहीं है, सब राजनीति है, सब राजनेता ही लोग उठा रहे हैं। कोई सामान्य आदमी उठाए तो इसके पीछे वास्तविकता समझ में आए, कोई ऐतिहासिक आदमी उठाए तो विश्व वास्तविकता समझ में आए। जो लोग भी उठा रहे हैं सब राजनीति से प्रेरित होकर के उठा रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमको टीआरपी मिल जाएगी, हम राजनीति में शून्य हैं, इस नाम को उठाने से राजनीति में उठ जाएंगे, इसलिए उठा रहे हैं। आपसे भी सर पूछते हैं, क्या लगता है आपको, क्या क्योंकि जिस तरीके से नाम लक्ष्मणपुरी कहा जा रहा है, फिर कोई लखनपासी कह रहा है, क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? भाई लखनऊ ही होना चाहिए, हम लोग छोटे से यहाँ रह रहे हैं, अब चेंजेबल क्या फायदा, इससे कोई फर्क पड़ेगा? लोग पूरे वर्ल्ड में लोग लखनऊ के नाम से जानते हैं, चेंज करेंगे तो कौन फिर वही पुराने फिर से आदमी याद करेगा। लेकिन कहते हैं इसका इतिहास जो है, यहाँ पे लक्ष्मण जी आए थे ये बताया जाता है जिस तरीके से, और ये लक्ष्मण की नगरी है, जैसे अयोध्या राम की नगरी है, तो इस तरह से इतिहास हमें ज्यादा जानकारी नहीं है इसमें। और भी लोगों से पूछते हैं, ये बताइए कि किस तरीके से आप देखते हैं, चूंकि लक्ष्मण की नगरी बोलते हैं, लक्ष्मणपुरी बोला जा रहा है, हो जाए इसके बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लखनपासी नाम हो जाए। देखिए राजनीति अपनी जगह है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से राजनीतिक उथल पुथल में इधर उधर कूदे फाने हैं, तब से उनका मानसिक दिवालियापन उनका दिख रहा है। अब लखनऊ लखनपासी हो गया, लक्ष्मणपुरी हो, तो इतिहास के पन्ने तय करेंगे और जिनको रखना है वो तय करेंगे। एक लक्ष्मण जी की मूर्ति लग जाने से उस पर ये कह देना कि लक्ष्मणपुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल कहीं एक भी कदम सही चीज नहीं है। अब जो सही जब जो लगेगा इतिहास में, अगर लक्ष्मणपुरी रहा होगा जैसा लोग कहते हैं कि यहाँ लक्ष्मण टीला है सब कुछ है, तो नाम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम से एक चीज है, अपनी विरासत जुड़ती है, तो उसको देखते हुए वही आज जैसा भी है, अगर लक्ष्मणपुरी होता भी है तो भी कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं राम का देश है, राम को मानने वाले लोग हैं, जब राम को मानने वाले लोग हैं तो फिर लक्ष्मणपुरी हो या लखनऊ हो उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन अगर विरासत में लक्ष्मणपुरी रहा होगा तो सामान्य सी बात। क्या लगता है इसके पीछे, चूंकि अब लखनपासी नाम बताया कि होना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो क्या राजनीति भी है, क्या सच में नाम बदला जाना चाहिए और इसके पीछे का इतिहास होगा? ये तो इतिहास के पन्ने तय करेंगे कि लक्ष्मण जी पहले थे या लखनपासी जी। अगर लक्ष्मण जी पहले रहे हैं तो जब वो रहे हैं तो फिर वो तय बाद में ही होगा ना कि कौन क्या, इतिहास के पन्नों में आ जाना कौन पहले कौन बाद में, वो तो बाद में होगा ही होगा।
शुक्रिया। और भी लोग हैं, हम उनसे भी पूछते, काफी सीनियर लोग हैं। सर, एक इश्यू चल रहा है लक्ष्मणपुरी और लखनऊ का नाम कहीं ना कहीं लक्ष्मणपुरी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो महासचिव है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि लखन पासीस का नाम होना चाहिए जो कि लक्ष्मण से जुड़ा हुआ नहीं है। आप लोग चूंकि जनरल कॉमन मैन है, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या इसका ये राजनीति है कि क्या है पूरा? देखिए, जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है, उन्होंने तो रामायण पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लखनपुरी पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ठीक है, पहले वो जाएं अपने दिमाग का इलाज कराएं, बहुत सीधी सी बात है। और दूसरे, लक्ष्मणपुरी लखनऊ का पुराना नाम था, धीरे धीरे तुर्क लोगों ने बदलना शुरू किया, बदलते बदलते लखनऊ हो गया, इसलिए लक्ष्मणपुरी उचित नाम है और वही होना चाहिए जी। जिस तरीके से इस पे अब राजनीति शुरू हुई है, तो आपको लगता है कि क्या कुछ राजनीति से भी जुड़ा है या एक्चुअल इसके पीछे भी संभावनाएं हैं? इसमें राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, जो राजनीति कर रहे हैं बहुत बड़े बेवकूफ हैं। आपसे भी सर लेते हैं एक पॉइंट, ये बताइए, जिस तरीके से अब लक्ष्मणपुरी कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, और उधर लखन पासी वो कह रहे हैं लक्ष्मण से कोई मतलब नहीं है, क्या लगता है आप लोगों को इस तरीके के व्यक्ति? ये तो टोटली जो भी कह रहे हैं लखन पासी, वो सिंपल क्या है, हिंदू वोटों में बंटवारा, कि जो उनका वोट बैंक छूट गया है तो वो सिर्फ उसको अपना लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यही सब जो रामचरितमानस का विवाद या लखनऊ और लखन पासी का विवाद, उनका सिंपल यही है और इसके पीछे उनके इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। और बाकी जहां तक लखनपुरी का सवाल है, तो जितने भी गुलामी की मानसिकता वाले नाम है, वो तो अच्छा ही है कि जो है अपना जो अपनी पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, उसके नाम से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि इतिहास इससे जुड़ा हुआ है यहाँ का, और ये चूंकि लक्ष्मण जी की मूर्ति एयरपोर्ट पे रखी गई और अब कहीं ना कहीं एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही है कि जिससे अपना गौरव का भान हो। अभी तक तो क्या है कि जितना भी इतिहास है, हम लोगों ने सिर्फ गुलामी की मानसिकता से ही जो है पढ़ा है अभी तक, तो जो हमारा अपना ओरिजिनल जो इतिहास है, जो हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, वो अगर उभर के आती है और आजकल के बच्चों को, नए नौजवानों को पता लगती है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे सर आप, चूंकि जिस तरीके से अब इतिहास को पलटा जा रहा है, इतिहास को लाया जा रहा है और एक तरफ राजनीति भी हो रही है? इतिहास को पलटने वालों को सबसे पहले जाके स्टेडियम के सामने लक्ष्मण जी के नाम से जो लक्ष्मण पार्क है, वहाँ जाके देख लेना चाहिए। उस पे पत्थर लगा हुआ है बाकायदा, कब से ये लखनऊ लक्ष्मणपुरी था, और ये तो बहुत पहले से था, अब तो ये बिगाड़ा गया है। और इस पे हम सहमत नहीं है कि लखनऊ हो या लखन पासी हो, लखन पासी का कोई नाम नहीं है, है ना। योद्धा रहे होंगे, हो सकता कोई योद्धा रहे, हिस्ट्री में रहे हो, लेकिन ये जो लक्ष्मण जी थे, ये हमारे पौराणिक कथाओं में हैं, रामायण में हैं, रामचंद्र जी के भाई हैं, इसलिए इनके नाम से लक्ष्मणपुरी होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी ये पूछने की कोशिश करते हैं, ये बताइए कि जो लक्ष्मणपुरी है नाम, ये अब चल रहा है होना चाहिए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, वो कह रहे हैं कि लखन पासीस का नाम होना चाहिए। सब अपने अपने इशू लेके आएंगे, सबके नाम पे थोड़ी नहीं हो सकता। एक लखनऊ को वर्ल्ड फेम मिली हुई है, उसमें चेंज करना कहीं किसी हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ का बाशिंदा कहीं भी जाता है दुनिया में, तो लखनऊ का, अरे नवाबों के शहर से आए, इज्जत अफजाई होती है। और ये सब नाम रखने से कोई बहुत बताना पड़ेगा कहाँ से आए हैं, बहुत वो था चल राम जी के भाई थे लक्ष्मण, पूरी रामायण सुनानी पड़ेगी तब वर्ल्ड का आदमी जान पाएगा। इंडिया के आदमी को रामायण देखी समझी जानता है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड के लोगों को बताना पड़ेगा, और लखनऊ हर आदमी जानता है। आप यहाँ से निकलिएगा, पूरे गल्फ में घूम आइएगा, और जहाँ बताएंगे कि लखनऊ से आए, आपको कितनी इज्जत मिलेगी। आपको लग रहा है कि इसके पीछे राजनीति हो रही है? बहुत जबरदस्त राजनीति, सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, और कुछ काम ही नहीं। आप बता दीजिए कोई काम हो तो, सिर्फ यही सिर्फ चल रहा है बस। और भी कुछ सीनियर लोग हैं, उनसे भी हम बात करके कोशिश करते हैं। सर, चूंकि एक मुद्दा चल रहा है लखनऊ का लेकर, नाम जो है लक्ष्मणपुरी कहा जा रहा है, और अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव, उन्होंने कहा है कि नहीं लखन पासी नाम है, लक्ष्मण से इसका कोई नाता नहीं है। तो आपको लग रहा है जो नाम को लेकर इस तरीके से अब राजनीति हो रही है, कितना तथ्यात्मक सही है ये और क्या होना चाहिए? देखो, ऐसा है, जो हिसाब से अपना हिंदू राष्ट्र है, वो हिसाब से नाम अपना ही होना चाहिए। अभी इतने साल जो कुछ हो गया, ठीक है, हमने भी सहन कर लिया, उन्होंने सहन किया, जो भी है, पर अभी वही हिसाब से जो नाम है वो हिंदू के ऊपर लखन सही होना चाहिए।
तो आपको लगता है कि लक्ष्मण से कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो है लखनऊ का, यही वजह है कि इतनी सारी बातें हो, चाहे एयरपोर्ट पे मूर्ति का अवरण हो, ये सब उसी दिशा में बढ़ रहा है, सब कुछ उसी दिशा में जा रहा है। आप सर क्या कहेंगे, चूंकि जिस तरीके से नाम को लेकर पूरी अब माहौल बना हुआ है चारों तरफ? जी, जो चल रहा है वो सही दिशा में जा रहा है, सही दिख रहा है और लगता है आगे जाके सब सही हो जाएगा। जी सर। और जिस तरीके से लखन पासी अब कह रहे हैं कुछ लोग कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता है, महासचिव है, कह रहे हैं लखन पासी होना चाहिए, लक्ष्मणपुरी नहीं है, तो क्या लगता है वो भी राजनीति है कि क्या? ये राजनीति कर रहे हैं, मगर अपन अपना एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहे वो हम चाहते हैं। थैंक यू। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मानना है साफ तौर से कि जो ये लक्ष्मणपुरी नाम है वो होना चाहिए लखनऊ का। इसके साथ साथ ही लखन पासी पर हालांकि सहमत नहीं देखते हैं, लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से अब इसको लेकर राजनीति हो रही है, जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है, ऐसे में लोगों का नजरिया इस लखनऊ को लेकर अलग अलग है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।